हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज देखिए, मैं आपके साथ एक बाजू के डिज़ाइन की वीडियो देखिए शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने इसके साथ का देखिए लूज प्लाजो की मोरी की डिज़ाइन की मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी। देखिए, आज उसी के साथ का मैं फ्रिल वाला डिज़ाइन इसके बाजू पे लगाऊंगी। देखिए, हमने ये बाजू की कटिंग मैंने देखिए की हुई है 15 इंच। देखिए, ये लंबी बाजू काटी है मैंने और इसके साथ ये 6 इंच देखिए मैंने ये फ्रिल के लिए कपड़ा लिया है। देखिए, बाजू हमारी जो आगे से है 8 इंच के करीब, देखिए ये हमारी बाजू है और ये मैंने 32 इंच, 4 गुना ज़्यादा हमने लेनी है। ये 32 इंच लंबी मैंने एक देखिए कपड़ा ये लिया है। अब हमने देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसे कपड़े पर देखिए ऐसे इसे ऐसे फोल्ड कर ऐसे सिलाई लगा लेनी है। सबसे पहले हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। देखिए, इसे मैंने यहाँ से सी लिया है। अब हमने देखिए अपनी बाजू को ऐसे सीधा कर लेना है और इस पर देखिए ऐसे यहाँ पर इसे रख लेंगे। देखिए, ऐसे इस पट्टी को रखने के बाद हमने देखिए 1 इंच के करीब इसको ऐसे ही सील लेना है, सिंपल। देखिए, 1.5 इंच को ऐसे सिलने के बाद हमने देखिए यहाँ पर इस पर बल डालने शुरू करने हैं। देखिए ऐसे, देखिए इस पर ज़्यादा बड़े बड़े बल नहीं डालने हैं हमें, तो ज़्यादा फूला फूला अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल छोटे छोटे, बिल्कुल आराम से हमने ऐसे इस पर बल डालने हैं। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि हमने देखिए बल सारे एक ही सार डालने हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए तो अच्छे नहीं लगेंगे। देखिए, हमने सारे एक बराबर ही बल डालने हैं इसमें। और सारी चुन्नटें डालने के बाद मैंने देखिए ये 1 इंच 1.5 इंच के करीब होगा, इसे ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। अब इसके बाद देखिए हमने इसे ऐसे उठाना है और यहाँ से देखिए ऊपर को फोल्ड करते हुए नीचे वाले कपड़े को देखिए ऐसे ऊपर को फोल्ड करना है और इसमें एक दबमी सीम लगानी है। देखिए, सिलाई लगानी है ऐसे डालकर मशीन में, इसे ऐसे पीछे से धागे को काट लेंगे। इसे ऐसे रखते हुए देखिए हमने यहाँ पर इसकी सिलाई लगा लेनी है। फिनिशिंग से देखिए ये आना चाहिए कपड़ा, देखिए ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे कपड़ा खींचेंगे। देखिए, ये पूरी सिलाई हमारी फिनिशिंग से आनी चाहिए, तभी हमारी बाजू की फिनिशिंग अच्छी बनेगी। और इस पर जब प्रेस लगा लेंगे, देखिए इसे प्रेस करने के बाद ये बहुत अच्छा लगेगा बनकर। देखिए, अब हमने बाजू की फिटिंग लगानी है। यहाँ से देखिए मैंने 5.5 इंच रखा है इसे अपनी फिटिंग के अनुसार, और यहाँ से हमने अपनी फिटिंग जैसे भी आपकी फिटिंग है वैसे लगा लें। और यहाँ पर हमने देखिए 1 इंच रखते हुए इधर ऐसे इसे मिला देना है। देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ से हमने सिलाई को ऐसे पक्का कर लेना है। और इसे ऐसे तिरछा यहाँ तक हमने ले आना है। इसके बाद हमने जैसे भी हमारे बाजू की फिटिंग है उसी हिसाब से सिलाई लगा लेनी है हमने। देखिए, मैंने बाजू की देखिए ये फिटिंग की सिलाई लगा ली है। देखिए, ये कितनी प्यारी लग रही है। यहाँ पर अभी प्रेस लगाना बाकी है। ये प्रेस करने के बाद इसकी और भी ज़्यादा फिनिशिंग आएगी और ये और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। देखिए, अगर आपको ये मेरे बाजू का डिज़ाइन सिखाने का ढंग अच्छा लगा हो और मेरी क्रिएटिविटी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।